हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कलाकारी। आज सॉरी कि इतना लेट वीडियो आ रहा है, बट मैं भी क्या कर सकती थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में एक गणेश जी की प्यारी सी पेंटिंग। मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा ये पेंटिंग कर रही हूँ, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एज अ बिगनर आप लोगों को ये पेंटिंग कैसा लगा। और हाँ, नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये कमेंट करना मत भूलना कि ये पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा। हे गाइस, तो आप सब देख सकते हैं कि मैं गणेश जी के फेस को पेंट कर रही हूँ येलो कलर से, और मैंने ये येलो एंड ऑरेंज का एक शेड भी बना के रखा है। उससे मैं थोड़ा लाइट शेड मैंने बनाया है, येलो एंड ऑरेंज कलर को मिक्स करके गणेश जी के फेस में शेडिंग करने के लिए। इससे गणेश जी का फेस का लुक जो है वो थोड़ा अच्छा आएगा। तो मैं फटाफट ये येलो वाला जितना भी पार्ट है कलर करने का कर लेती हूँ। मैंने कलर कर लिया, अब मैं गणेश जी के टोपी को रेड कलर से कलर करूँगी। तो फटाफट हम इसे भी कलर कर लेते हैं। एंड या गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना तो कभी मत भूलना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरा पेंटिंग कैसा लगा। वेट वेट वेट, मैं आप लोगों को ये बात तो बताना ही भूल गई कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कलाकारी35, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख ही गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये गणेश का पेंटिंग अच्छा लगा हो और क्रिएट करना हो इसे रिक्रिएट, तो वहाँ मैं उसका फोटो अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग भी उसे देखकर बना सके। और मेरे बाकी सभी आर्ट एंड क्राफ्ट्स के फोटोज आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी में। सो अभी जाके फटाफट मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। ये मैंने इसका टोपी कलर कर लिया, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ आ गई डिटेलिंग्स करने के लिए इसके टोपी पे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं 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 इधर से स्टार्ट करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उसके टॉपिक के स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। और हाँ, ऑन स्क्रीन मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पेंटिंग कर रही हूँ, तो मेरा हाथ भी बहुत कांप रहा था। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे उतने अच्छे से बन भी नहीं रहा था पेंटिंग करने ऑन स्क्रीन। बट मैंने जैसे तैसे इस पेंटिंग को कंप्लीट फाइनली कर ही लिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये गणेश जी का पेंटिंग। और हाँ, अपने चैलेंजेस भी कमेंट करना मत भूलना। इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में और वीडियो बनाने में और वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत ही एफर्ट्स लगे, इसलिए एक लाइक तो बनता है इन एफर्ट्स का। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। मैं आपको बहुत ही बार बोल रही हूँ, मैं बहुत पका चुकी हूँ। चलो अब मैं पकाना आप लोगों को बंद करती हूँ और अपना ये जो गणेश जी का पेंटिंग है इसे फटाफट हम कंप्लीट करते हैं। एंड या गाइस, मैं आप लोगों से एक बात तो पूछना ही भूल गई कि मैंने इस वीडियो में अपना वॉइस चेंज करके डाला है, वो वॉइस आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपने बाकी सभी वीडियोस में यही वॉइस रखूँ कि नहीं रखूँ ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अपने ओरिजिनल वॉइस में ही उन सभी को एडिट करके डाला है, और मेरी वॉइस बहुत ही बोरिंग है। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग वॉइस डाल दूं, इसलिए मैंने ये वॉइस को डाला है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वॉइस कैसा लगा। तो मैं फिर अपने हर वीडियो में यही वॉइस रखूँगी, अपनी ओरिजिनल वॉइस नहीं रखूँगी। सो गाइस, मैं पकाना बंद करती हूँ और वीडियो को मतलब कि वीडियो को आप लोगों को शांति से देखने देती हूँ। सो हम फटाफट अपने इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं बिना कुछ बातचीत किए। अब
कंप्लीट हो गया है। तो ये है मेरे इस पेंटिंग का फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।